स्टूडेंट तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.0 क्वेश्चन 6। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। द स्लेंट हेट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल डोमर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। जो हमारी स्लेंट हेट और बेस डायमीटर है वो हमारी 25 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210/100m². जो कॉस्ट है वाइट वॉशिंग कर्व सरफेस एरिया की वो हमारी ₹210/100m². पहले हम इसे लिख लेते हैं। स्लेंट हेड को हम एल कहते हैं, एल हमारी है 25 मीटर एंड रेडियस ऑफ कॉनिकल टॉम्ब तो हम डी अपॉन टू कर देते हैं इसका, जो कि हमारा 14/2 होके 7 हो जाएगा। उसके बाद हम अब आगे करते हैं, उसके बाद हम अब हम इसका सी एस ए निकालते हैं। सी एस ऑफ कॉनिकल टर्म्प हमारा कितना होगा, पाई आर एल। पाई के वैल्यू तो हमें पता है 22/7, आर हमारा है 7 × 25, ये हमारा 7 मीटर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 7 से 7 ये कट, 25 × 20 करने पर 550m² आ जाएगा। स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें। अब इसमें हमसे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पोल पूछा गया है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग तो कितनी हमारी ₹210/100m², लेकिन हमें 550 की चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वन मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, रुपीज वन मीटर स्क्वायर की हमारी होगी 210/100, ये हमारी 1 रुपये की 1m² की होगी। अब हम कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितने मीटर की निकलनी है, 550 की मीटर स्क्वायर की, तो हम इसमें 550 × 210/100 ये कर देते हैं। इसके बाद हम 1 से 1 ये 55 × 21 के बाद आएगा ₹1155, यही हमारा आंसर है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।